तो गाइस जियो 5G यहाँ पे 20 ms पिंग कैसे आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो मेरा यहाँ पे इजीली 5G आ रहा है एंड पिंग भले ही आपका यहाँ पे 60 से 50 के बीच में आ रहा है, लेकिन जो गेम प्ले एकदम परफेक्टली स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपका गेम प्ले में, मतलब एकदम मक्खन चल रहा है गेम, कोई लैग बफर रेंडर वगैरह हो ही नहीं रहा। ये सब सेटिंग्स आपको कैसे करना है, सबसे पहले 5G कैसे लाना है एंड लैग कैसे रिम करना, उस दोनों के ऊपर मैं वीडियो यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो अगर आपके पास 3 मिनट का समय है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका जो सिम है वहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपका ORM रोमिंग वगैरह इसको ऑफ कर देना है। सबसे मेनली मोर सेटिंग्स में आपका अगर यहाँ पे स्मार्ट 5G नहीं है, मतलब आपका मोबाइल को 5G मोबाइल होना पड़ेगा, उसके साथ साथ सिम को भी 5G सिम होना पड़ेगा एंड आपको ये एनेबल करना पड़ेगा। वही मेन ऑप्शन है, सबसे पहला क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रीफर नेटवर्क टाइप में यहाँ पे नीचे टाइप कर लेना है। यहाँ पे आपको मतलब देखना है कौन सा नेटवर्क आपके यहाँ पे मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा 5G 4G 3G 2G ऑटो वाला एंड आपको पॉइंट ऑपरेटर भी जियो पॉइंट ऑपरेटर यहाँ पे इजीली चूज कर सकते हो, कोई और चूज मत करना। काफ़ी लोग बोलते हैं कोई दूसरा वाला चूज कर लो, ऐसा नहीं है, जो यहाँ पे आपका ऑटो सेलेक्ट है वही आप चूज करके रखो एंड उसी में आपको यहाँ पे नेटवर्क मिलेगा। अब मेरा यहाँ पे कैसे हुआ एंड लैग, अगर आपको यहाँ पे 5G नहीं है फिर भी लैग कैसे रिमूव करना, 20 ms में मक्खन कैसे चलाना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दिक्कत नहीं लेने का, लाइक कर देने का। सबसे पहले क्या करना, डेवलपर ऑप्शन में आ जाना। डेवलपर ऑप्शन में आ जाओगे ना आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स देखने को मिलेंगे, तो वो सेटिंग्स जो जो मैं बताऊँगा वो एनेबल करके रखना है, आपको यहाँ पे लैग एकदम रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करके रखना, नीचे स्क्रॉल करते जाना है आपको, यहाँ पे बस मैं जो बताऊँगा वो करना है। जहाँ पे जो 100 रिफ्रेश रेट है ना, ये आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, आपका मर्जी। अगर दिखाओगे तो वो आपका यहाँ पे जो FPS रेट है ना वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाएगा, तो ये मत ही दिखाओ मैं बोलूँगा। 5G यहाँ पे जो है ऑप्शन, ये अगर आपको यहाँ पे मोबाइल में नहीं आ रहा लेकिन यहाँ आ रहा है, यहाँ से आप एनेबल कर सकते हो। इसको आप यहाँ पे हमेशा ऑटोमेटिक रूट में ही सेट कर देना, इसके अगर आप यहाँ पे और कोई रूट में सेट करोगे तो आपके यहाँ पे जो नेटवर्क है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए ऑटोमेटिक रूट ही यहाँ पे बेस्ट रहता है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते रहना, जो जो मैं कर रहा हूँ हूँ बहू वही करते जाना, और कोई एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे नीचे एक बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट आपको दिखने वाला है, वहाँ पे अगर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट से तो आपको यहाँ पे नो बैकग्राउंड लिमिट कर देना, मतलब यहाँ पे आप जब BGMI को ओपन करोगे बैकग्राउंड में कोई भी ऐप आपको यहाँ पे नहीं चलता रहेगा, ये आपका एडवांटेज होने वाला है। एंड क्लियर, सब कुछ क्लियर करके आपको BGMI खोलना है, आपका वाईफाई हो या फिर आपका डाटा अच्छे से चलेगा। लेकिन अभी के लिए ना काफ़ी लोगों का ग्लिच चल रहा है, तो ये एकदम ऑफिशियल प्रॉब्लम है, तो ऑफिशियली आप इसका सोल्यूशन लेने आने तक का वेट करो, तब तक ये टेम्पररी सोल्यूशन काम में ज़रूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय।